हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी अंकिता दातेर और आज की इनकम टैक्स रोज़ के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर को लेके, जो कि आप यूज़ करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए टैक्स कैलकुलेशन के लिए। टैक्स कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इस कैलकुलेटर की मदद से, न्यू टैक्स स्लैब के लिए, ओल्ड टैक्स स्लैब के लिए। और ये आपका एलिजिबल होगा, यानी कि इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल, सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न की टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस टैक्स कैलकुलेटर के बारे में, कैसे आप इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप कैसे टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और इस सॉफ्टवेयर का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरे वीडियो के अंदर विद एग्जांपल हर स्टेज, यानी कि इंडिविजुअल, सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए टैक्स कैलकुलेट करके बताऊंगी और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना है वो भी आप सभी को बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। पहले इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको आना है इनकम टैक्स इंडिया की ई फाइलिंग वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको ये एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसके अंदर लिखा गया है फॉलो दीज स्टेप टू क्लियर योर आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड है तो आप उसे कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसमें वो इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, जिसके अंदर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा गया है कि आपको ई फाइलिंग अकाउंट पे यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है, ई फाइलिंग मेन्यू पे जाना है और वहाँ पे आपका अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपका ऑप्शन दिखाई देगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपकी ये डिमांड इनकरेक्ट है तो आपको इनकरेक्ट के साथ आपको रेस्पॉन्स कॉलम में अपना रेस्पॉन्स सबमिट करना है। अगर आपकी डिमांड करेक्ट है तो आपको यहाँ पे ई पे पे क्लिक करके अपनी डिमांड को पेमेंट करना है। तो इस तरह से आप अपनी डिमांड्स को भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ई फाइलिंग की वेबसाइट पे, जिसमें आपको यहाँ पे क्विक लिंक्स के अंदर जो है इंस्टेंट पेन थ्रू आधार, जिसपे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। ई पेन होगा ये आधार को यूज़ करके, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे टैक्स कैलकुलेटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या आगे प्रोसेस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको जो टैक्स कैलकुलेटर दिखाई देगा वो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये टैक्स कैलकुलेटर रेजिडेंट इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। अब बात आती है एज, तो सबसे पहले आपको एज यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर आपका सबसे पहले है नॉर्मल सिटीज़न, जिनकी एज जो है 60 ईयर्स से बिलो है। उसके बाद आती है सीनियर सिटीज़न, तो वो है 60 ईयर्स से लेके 79 ईयर्स तक। और उसके बाद आती है 79 ईयर्स यानी कि सुपर सीनियर सिटीज़न। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, तो जिनकी एज जो है बिलो 60 है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ नॉर्मल सिटीज़न। यहाँ पे एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, तो आपको अपनी इनकम को यहाँ पे एस्टिमेट करना है कि आपकी इनकम कितनी है, तो इसको आप यहाँ पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एस्टिमेट करती हूँ आपकी इनकम 6 लाख रुपीज़। और फिर यहाँ पे आपके डिडक्शंस, तो मैं यहाँ पे एग्जेम्पशंस आपकी जो है 0 डाल देती हूँ। एग्जेम्पशन और डिडक्शंस, डिफरेंट डिडक्शंस, जैसे कि ATC का हो गया, ATD का हो गया, अलग अलग वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे उन वीडियोस को जाके, जो कि डिडक्शन से रिलेटेड हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग और न्यू रेजीम। उसके पहले मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर बता देना चाहती हूँ, जिसके अंदर आपका क्लियरली लिखा गया है दिस कैलकुलेटर इज़ ओनली मेंट टू बी
टू प्रोवाइड ए बेसिक आइडिया ऑफ एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑफ न्यू प्रोविजन रेफर टू इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर द एक्चुअल प्रोविजन एंड एलिजिबिलिटी। यानी कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड इम्पैक्ट बताएगा, जो एक्चुअल प्रोविजन है उसके लिए आपको इनकम टैक्स लॉ को रेफर करना है और ऑल टैक्स कैलकुलेशन इंक्लूडिंग सेस आर एक्सक्लूडिंग सरचार्ज टोटल एलिजिबल एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन आर एज्यूम टू बी जीरो इन न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपकी जो है डिडक्शन एकदम ज़ीरो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी और जो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होके आएगा वो आपका इंक्लूडिंग सेस यानी कि जो 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका एप्लीकेबल होके आएगा, और अदर नॉट ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपकी स्पेशल रेट ऑफ इनकम आपकी कंपटीशन के अंदर आती है और डिडक्शन और एग्जेम्पशन जो है वो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर एलिजिबल है। तो अब जब कैलकुलेट करते हैं तो अब देखिए इसमें आपको बेनिफिट बता दिया गया है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 23,400 और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका टैक्स बनेगा वो बनेगा 33,800 रुपये। तो आपको टोटल जो है न्यू टैक्स रिजीम में जाने की वजह से आपको यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है 10,400 रुपये का। अब इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप के लिए हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीनियर सिटीज़न को मैं अगर सेलेक्ट करती हूँ और उनका यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करती हूँ 6 लाख रुपीज़ के लिए, तो यहाँ पे कंप्यूट टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग और न्यू रिजीम, तो आपका यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो गया है जिसके अंदर ओल्ड रिजीम के अंदर आपका जो टैक्स है वो है 31,200 रुपये आपका बनता है सीनियर सिटीज़न के केस में, और न्यू रिजीम के अंदर आपका यहाँ पे जो टैक्स बन रहा है वो 23,400 का यहाँ पे टैक्स बन रहा है। तो टैक्स बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में वंस अगेन आपको हो रहा है 7,800। और इस तरह से अगर हम चलते हैं यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए और कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको टैक्स भरना पड़ रहा है 20,800 और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको यहाँ पे टैक्स भरना पड़ेगा 23,400 अगर आपकी इनकम जो है 6 लाख रुपये तक की रहती है। तो इस तरह से आपका टैक्स बेनिफिट जो हो रहा है सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए 6 लाख रुपये तक की इनकम के लिए, अगर उनको किसी भी तरह की एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं है तो वो रहेगा 2,600 रुपये का, और न्यू स्कीम में ना होके वो ओल्ड रिजीम के अंदर रहेगा। जबकि बाकी सारे टैक्स पेयर्स के लिए अगर हमने देखा है सीनियर सिटीज़न और नॉर्मल सिटीज़न के लिए तो वहाँ पे उनका जो है टैक्स बेनिफिट जो है वो न्यू रिजीम के अंदर है। अब हम यहाँ पे जो है इनकम को चेंज कर देते हैं और ये इनकम मैं यहाँ पे कर देती हूँ 10 लाख रुपीज़। तो अगर मैं 10 लाख रुपीज़ करती हूँ और बाकी चीज़ें को सेम रखती हूँ तो आपका यहाँ पे जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है सीनियर सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए। आपका यहाँ पे टैक्स ओल्ड रिजीम के अंदर 1,04,000 रुपये है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है आपका 78,000 रुपये। तो इसमें बेनिफिट जो है वो आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है 26,000 रुपये का। और अगर मैं सुपर सीनियर सिटीज़न की बात करूँ तो यहाँ पे आपका टैक्स जो है फिर आपका चेंज हो गया है 1,14,400 रुपए का ओल्ड रिजीम के अंदर और 78,000 रुपए का आपका न्यू रिजीम के अंदर। तो यहां पे भी बेनिफिट न्यू रिजीम के अंदर है अगर आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं होती है सीनियर सिटीजन के केस में। नॉर्मल सिटीजन की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे उनका टैक्स जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 1,17,000 रुपये बनता है और न्यू रिजीम के अंदर उनका 78,000 रुपये बनता है। तो इस तरह से वो अपना 39,000 का टैक्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा 15 लाख के स्लैब की, क्योंकि 15 लाख का स्लैब जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपके रखा गया है, जिसके अंदर अगर मैं नॉर्मल सिटीज़न के लिए बात करूँ तो नॉर्मल सिटीज़न के लिए 78,000 का न्यू रिजीम के अंदर जाने से बेनिफिट होगा, क्योंकि ओल्ड रिजीम के अंदर उनका टैक्स जो बन रहा है वो 2,73,000 रुपये बन रहा है और न्यू रिजीम के अंदर 1,95,000। अब मैं यहाँ पे सीनियर सिटीज़न के लिए बात करूँ तो सीनियर सिटीज़न के लिए 2,70,400 का बन रहा है, 1,95,000 का न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बन रहा है और 75,400 रुपये का आपका यहाँ पे जो है बेनिफिट
हो रहा है। सुपर सीनियर सिटीज़न की अगर मैं बात करूँ तो सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए भी यहाँ पे जो ओल्ड रिजीम के अंदर 2,60,000 का टैक्स बन रहा है और न्यू रिजीम के अंदर आपका 1,95,000 का टैक्स बन रहा है, जिससे आप यहाँ पे टैक्स सेव कर पा रहे हैं 65,000 रुपये का न्यू टैक्स रिजीम में जाने पे। अब हम यहाँ पे एग्जेम्पशन और डिडक्शन के लिए मैं यहाँ पे ATC की डिडक्शन जो है वो यहाँ पे ले लेती हूँ, जो कि आपको ओल्ड रिजीम के अंदर मिलती है। तो इसके बेसिस पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका ओल्ड रिजीम के अंदर सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए जो टैक्स बन रहा है वो 2,13,200 का बन रहा है और न्यू रिजीम के अंदर 1,95,000 का। तो इस बेसिस पे भी आपका यहाँ पे जो है न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आप 18,200 का टैक्स सेव कर पा रहे हैं। सीनियर सिटीज़न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आप अपना 28,600 का टैक्स जो है वो आप सेव कर पा रहे हैं। और अगर मैं नॉर्मल सिटीज़न की बात करूँ तो यहाँ पे आप न्यू टैक्स रिजीम से अपना 31,200 रुपए का टैक्स जो है वो सेव कर पा रहे हैं। तो इस कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप जजमेंट ले सकते हैं अपनी एग्जेम्पशन डिडक्शन और एस्टिमेटेड एनुअल इनकम को शो करवा के कि आपको कितना टैक्स भरना पड़ सकता है, कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिसके अंदर आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन सा ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो मैंने जो बनाया है वो मेरे सारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर को ये डाउट था कि उनको कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है, हमें उन स्पेसिफिक क्वेरीज मिल रही थी जिसके अंदर 6,00,000 की इनकम पे उनको कितना टैक्स देना है, 10,00,000 की इनकम पे कितना टैक्स देना है। तो अब आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप अपना टैक्स जो है खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे और जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फ्री सर्विसेज है इनका भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे और जो है आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको टैक्स कितना सेव कर सकते हैं आप और कितना आप यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, कौन सा टैक्स बेनिफिट आपको लेना चाहिए, टैक्स स्लैब आपको यहाँ पे लेना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, या आपको GST इनकम टैक्स और CA से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप सब जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल के मेंबरशिप पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ में आपको मेरे चैनल के नाम के आगे ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे मेंबरशिप फैसिलिटी के बेसिस पे आप अपना मेंबर बन सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी यूट्यूब की फैमिली में मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।